बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। स्क्रीन टेस्ट अच्छा था, लीड रोल मिल सकता है आपको। सर किस तरह की स्क्रिप्ट है? लव स्टोरी है, बोल्ड, थोड़ी किसिंग विसिंग रहेगी, आप समझ रहे हो? ठीक है सर, कर दूंगी। बहुत अच्छे, ये एग्रीमेंट है, इधर साइन करना होगा। हालांकि शूटिंग के दिन, कम ऑन मैडम, आप जानते हैं कि एक बोल्ड लव स्टोरी है, जलवा तो दिखाना होगा। नहीं नहीं मैडम, एक बटन से काम नहीं चलेगा, स्क्रिप्ट के अनुसार आपको टॉपलेस होना है। क्या बकवास है, मैं नहीं करूंगी, मुझे पहले नहीं बताया गया था। लेकिन मैडम एग्रीमेंट तो हो चुका है, आपके साइन भी उसमें। मैं लिप लॉक, स्मूथ सीन, टॉपलेस, न्यूड सीन सहित अंतरंग, कामुक और बोल्ड सीन करने के लिए अपनी मर्जी से राजी हुई हूँ। प्रोडक्शन हाउस ने मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। मैडम अगर आपने अपना मन बदल लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन शूटिंग व्यवस्था में काफी खर्चा हुआ है, कम से कम 5 लाख रुपए पैसे दीजिए और जाइए। ऐसे जाल में फंसी अभिनेत्रियों के पास चुपचाप राजी होने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। लेकिन कुछ ने अपना मुंह खोला और जनवरी 2021 में 6 अलग अलग एक्टरों ने इस तरह की कहानियां मुंबई पुलिस को सुनाई। मामले में जांच हो रही थी जब उन्हें खबर मिली, सर मड आइलैंड के ग्रीन पार्क बंगले में एक पॉर्न फिल्म की शूटिंग हो रही है। पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारा। बंगले में 6 छोटे कमरे, किचन और बगीचा था। सारी लाइट डिफ्यूजर, हेलोजन, इल्यूमिनेटर, लैपटॉप और एक हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा सिर्फ एक बिस्तर की ओर घूमे हुए थे, जिस पर एक जवान जोड़ा बिना कपड़े एक रोमांटिक सीन के बीच में थे। अभिनेताओं और 5 सदस्यीय क्रू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और महिला अभिनेत्री को बचाया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी ने उगला कि कैसे एक्टरों को फंसाया जाता था, बिल्कुल जैसा कंप्लेन में बताया गया था। इन फिल्मों को हवस पैदा करने वाले मोबाइल ऐप जैसे हॉट हिट मूवीज, हॉट शॉट्स, न्यूफ्लिक्स और एस्केप नाउ जैसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता था, जिसमें से कुछ के मालिक कथित तौर पर राज कुंद्रा थे, जो 119 ऐसी एडल्ट फिल्में 9 करोड़ में बेचने जा रहे थे। कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ही थी जिसने हॉट शॉट ऐप विकसित करके एक छोटी सी कीमत 17 लाख में अपने भैनोई प्रदीप बख्शी की यूके कंपनी कैंड्रिन लिमिटेड को बेच दिया। ये सोचकर कि बख्शी की ब्रिटिश नागरिकता उन्हें भारतीय अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी जांच से बचा सकेगी। लेकिन बेचने के बाद भी कथित तौर पर कुंद्रा ही एक अलग कंपनी के माध्यम से उस ऐप पर काम करता गया, कंटेंट बनाया, संभाला और अकाउंटिंग भी की। ऐसा करके वो भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहे थे, एक कानून जो भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिबिंब नहीं बल्कि अंग्रेजों के पाप और पुण्य का ही एक दृष्टिकोण है। भारतीय संस्कृति अपने पूरे प्राचीन इतिहास में मानव शरीर की सुंदरता का जश्न मनाने से कभी शर्माया नहीं। चलिए एक झलक देखते हैं हमारी सैकड़ों वर्ष पुरानी शानदार नक्काशी पर। अजंता एलोरा, खुजराहो, सूर्य मंदिर कोणार्क, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। सेक्स को एक पवित्र कार्य मानकर उसे तो औपचारिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था प्रसिद्ध काम सूत्र के चित्रों द्वारा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख और 16,100 कनिष्ठ पत्नियां थी। राजपूत और मुगलों की तो कई पत्नियां होती थी और उनकी रखेल और तवाइफों के बारे में तो पूछो ही मत। फिर आए विक्टोरियन ब्रिटिश 16वीं-19वीं शताब्दी में, जिन्होंने अपनी नैतिकता और पाप की बेड़ियों से भारत की सोच को जकड़ दिया, जिन बेड़ियों को खुद महात्मा गांधी ने अपने कपड़े पहनने के तरीके से मिटाने की कोशिश की। हमें गर्मी के महीने में अपने शरीर को छिपाने की जरूरत नहीं, हमारी संस्कृति ने कभी बदन को पूरी तरह से ढकने पर जोर नहीं दिया है। अंत में 1880 की हवस भरी फ्रेंच किताबें जो भारत में इतनी लोकप्रिय बन चुकी थी और जो देश की विभिन्न भाषाओं में छपने भी लगी, जिसके चलते 1924 में एक नया बेहूदगी भरा प्रकाशन विधेयक पेश किया गया और भारतीय दंड संहिता IPC में एक नई धारा 292 डाली गई। जबकि अंग्रेजों ने 1959 में अश्लीलता अधिनियम में सुधार लाया, भारत की IPC सेक्शन 292 और 293 आज तक बरकरार है। इन्हीं कानूनों के तहत पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया वंदना तिवारी उर्फ गेहाना वशिष्ठ और 5 महीने बाद राज कुंद्रा और आयन थ्रोप को। बॉलीवुड ड्रामा जाहिर है शिल्पा शेट्टी ने कथित तौर पर किया राज पर चिल्लाते हुए जब अगले दिन क्राइम ब्रांच ने उनके जुहू बंगले की तलाशी ली। परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई, सारे एडवर्टीजमेंट्स रोक दिए जा रहे हैं और मुझे कई प्रोजेक्ट भी छोड़ना पड़ा, सब कुछ था हमारे पास, ये सब करने की क्या जरूरत थी। फिर अपना बयान पुलिस को दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, राज निर्दोष हैं, उनका साला प्रदीप बख्शी ये सब का मास्टरमाइंड है। लेकिन शिल्पा खुद वियान इंडस्ट्री में निदेशक थी, जिसके माध्यम से राज कथित तौर पर पूरा शो चलाते रहे।
लेकिन पिछले साल 2020 में उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया। क्यों? क्या उन्होंने अपने पति के काम के बारे में जान लिया था और खुद को अलग रखने की कोशिश कर रही थी? जो भी हो, मगर शिल्पा सुपर डांसर 4 के सेट पर जज की हैसियत से 1 महीने तक गायब रही। पुलिस का दावा है कि उन्होंने कुंद्रा के निजी लैपटॉप से डिलीट किए गए 51 पॉर्न फिल्में बरामद की। एक खबर जिसकी पुष्टि होती है रायन थोरपे के बयान से। फरवरी में आरोपों के खुलासे के बाद मुझे कंपनी के सर्वर से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया था। फिर कुंद्रा के ऑफिस के दीवारों के बीच छिपा एक लॉकर भी मिला, जहां से शिक्षक, नौकरानी और नर्स जैसी 68 पॉर्न फिल्में, एक मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क से बरामद हुई। कई व्हाट्सएप ग्रुप भी हाथ में लगे जिसके खुद कुंद्रा एडमिन थे और जिन पर कथित तौर पर वित्तीय, संचालन और मुंबई पुलिस के नोटिस के बाद कैसे और क्या डिलीट करें उस पर चर्चा हुई। और गहना वशिष्ठ के घर से बर्तनवाली, उपचार और चाहत शीर्षक जैसी स्क्रिप्टें मिली। इस आकर्षक पॉर्न इंडस्ट्री को महामारी के दौरान काफी बढ़ावा मिला जब सभी अपने घर में जबरदस्ती बंद थे। मार्च 2020 में भारत के 28-34 आयु वर्ग में पॉर्न देखने वालों की संख्या में 33% वृद्धि हुई, जबकि विश्व का औसत सिर्फ 10.5% था। इसी वृद्धि की वजह से भारत कनाडा को पीछे छोड़ गया और तीसरा सबसे अधिक पॉर्न देखने वाला देश बना। पॉर्न की इतनी डिमांड के कारण ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कड़े कानूनों के बावजूद कई भारतीयों ने इस व्यवसाय में कदम रखा। ये काम और सरल बना मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की लंबी कतारों से, जो यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं, जब तक कि उनके बॉलीवुड के सारे सपने पूरे नहीं होते। पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा दो ऐसे ही प्रसिद्ध पॉर्न स्टार नहीं बनी, बल्कि पूनम ने कथित तौर पर अपने वीडियो से 36 करोड़ से अधिक की कमाई की। और सनी लियोने को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने अमेरिका में एक पॉर्न स्टार होने के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और 98 करोड़ की कुल संपत्ति कमाई। सितंबर 2021। प्रोड्यूसर्स के लिए भी ये कार्य लाभदायक है। एक 30 मिनट का वीडियो जिसे शूट करने में सिर्फ 1-2 दिन लगते हैं, उससे ये 5 लाख तक कमा लेते हैं। बस 4-5 वीडियो शूट करो और उसे एक मोबाइल ऐप के द्वारा विदेश से अपलोड करो। कथित रूप से कुंद्रा के लैपटॉप पर पाए गए पीपीटी के अनुसार वे 2021-22 के लिए लगभग 36.5 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य बनाए हुए थे। क्या कुंद्रा यही कह रहे थे अपनी 2013 की किताब हाउ नॉट टू मेक मनी में? हालांकि राज कुंद्रा, जिनका असली नाम रिपु सुडान बाल कृष्ण कुंद्रा है, एक दिलचस्प शख्स हैं जो जिंदगी नोक पर जीते हैं। 2013 में वे राजस्थान रॉयल के उमेश गोयनका और सीएसके के गुरुनाथ मैयप्पन के साथ आईपीएल में अवैध सट्टेबाजी में पड़े और गिरफ्तार तक हुए। फिर ईडी ने 2018 में उन्हें 2000 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। वैसे डिजिटल स्कैम में उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला। फिर उन्होंने लीक फॉर्मेट की नकल करते हुए 2012 में संजय दत्त की साझेदारी में सुपर फाइट लीग, एक एमएमए जैसा टूर्नामेंट लॉन्च किया। होम शॉपिंग में अपना कदम रखा 2015 में बेस्ट डील टीवी अक्षय कुमार के साथ, मगर ये दोनों व्यापार आज या तो निष्क्रिय हैं या बंद हैं। जैसा है मैच इंडिया पोकर लीग भी, जो उन्होंने 2017 में लॉन्च की। और मराठी अभिनेता और करोड़पति गुटखा वारिस सचिन जोशी को एक टीम का मालिक बनाया। हालांकि जल्द ही दोनों झगड़ते हुए कानून के दरवाजे तक पहुंचे। सर, सचिन जी का 40 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ, इसलिए मुझे उन्हें पोकर लीग से निकालना पड़ा। अरे, इन्होंने खेल ही ऐसा बनाया था कि इनकी पसंदीदा टीम ही जीत सके। सर, वैसे मैं एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही पीछे हट गया था। उनके बीच एक कड़वी लड़ाई जारी रही। जब सचिन ने शिल्पा और कुंद्रा की कंपनी सतयुग गोल्ड पर आरोप लगाया कि 6 साल पैसे देने के बाद भी उन्होंने वायदे के मुताबिक उसे सोना नहीं दिया। अदालत के निर्देश के बाद सचिन को अपना 30 लाख रुपए का 1 किलो सोना तो मिल गया, वो भी जब कुंद्रा सलाखों के पीछे बंद था। मगर सचिन की पत्नी उर्वशी से रहा नहीं गया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक गुप्त संदेश पोस्ट किया, कर्मा आपका पता कभी भूलता नहीं। इस मामले में बहुत सारी चीजें प्रश्नजनक हैं, जैसे पहला, क्यों एक अरबपति संपत्ति का वारिस मामूली 30 लाख रुपए के लिए केस दर्ज करेगा? वकीलों की फीस ही उतनी होगी, और पत्नी इस परिस्थिति में शामिल होकर इसे व्यक्तिगत क्यों बनाएगी? दूसरा, आर्म्स प्राइम मीडिया 2020 से ही महाराष्ट्र साइबर सेल के निशाने पर थी, जब 14 अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने वाले वेब पोर्टल और स्ट्रीमिंग सेवाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो पुलिस ने कार्रवाई करने से पहले शिकायत का इंतजार क्यों किया? ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से पता था कि क्या हो रहा है। गहना वशिष्ठ की 7 फरवरी 2021 की गिरफ्तारी के बाद भी कुंद्रा की गिरफ्तारी को 5 महीने से ज्यादा समय क्यों लग गया? ऐसी देरी क्यों? हाल ही में एक मॉडल की शिकायत पर जिसने काम करने के पैसे भी ले लिए थे, वे बनी आधार एक और आरोप पत्र की। अपलोड करने से पहले सेक्सिन एडिट नहीं किए गए, जिससे वादा किया गया। लेकिन क्या भुगतान स्वीकार करने के बाद भी कोई कानूनी रूप से शिकायत दर्ज कर सकता है? जहां एक तरफ ईडी कुंद्रा के विदेशी फंड के स्रोत की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उन पर भारत से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा रहा है।
निजी तौर पर पॉर्न देखना कानूनी, लेकिन इसे फिल्माना अवैध है, तो क्या कोई एक चीज देख सकता है जो कानूनी रूप से बन ही नहीं सकती? या कानून का मतलब ये है कि भारतीय पॉर्न देख सकते हैं जब तक कि वो मेड इन इंडिया ना हो। सह आरोपी वशिष्ठ, जिन्होंने राज के साथ काम किया और उनकी फिल्मों के लिए मॉडल लाए, हम इरोटिक बोल्ड फिल्में बनाते हैं, इनमें से कोई पॉर्न वर्गित नहीं बता सकता। पॉर्न और इरोटिका के बीच एक महीन रेखा है। अन्य ओटीटी जैसे एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी भी बोल्ड फिल्में बनाती हैं, लेकिन पूरी नग्नता के बिना और भारतीय सेंसर बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए। पूनम पांडे, कुंद्रा के खिलाफ शिकायतकर्ताओं में से एक, जिसे गोवा में एक सार्वजनिक स्थान पर पॉर्न वीडियो शूट करने के आरोप में खुद गिरफ्तार किया गया, वो भी कुंद्रा से पीड़ित होने का दावा करते हैं। जब मैंने उनके लिए एक फिल्म करने से इनकार किया, तब किसी ने कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस से मेरा फोन नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया। और यही इल्जाम लगाती हैं शर्लिन चोपड़ा भी, जिन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी के डर से अपने गुरु के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वो कुंद्रा ही थे जिन्होंने मुझे जबरदस्ती ग्लैम से बोल्ड, फिर सेमी न्यूड और अंत में पॉर्न में काम करने पर मजबूर किया। इसी बीच कुंद्रा की जमानत अर्जी, जो कई बार खारिज की गई, इस आधार पर कथित अपराध हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर अंत में वे सफल रहे, इस आधार पर कि चार्जशीट में उन्हें व्यक्तिगत रूप से वीडियो शूटिंग में शामिल नहीं बताया गया। दुर्भाग्य से इस माहौल ने कुछ समूहों को प्रोत्साहित किया काम सूत्र की किताबों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देने के लिए और उसे बीच बाजार में जलाने के लिए भी। अंग्रेजी नैतिकता की इस विकृत भावना की बदौलत हमारी सुंदर साड़ी पहनने वाली आदतें भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। बिस्बो की शायरी, क्या है शील अश्लील क्या मुद्दा होता गर्म, कहीं कानून सख्त है और कहीं है नर्म, कुंद्रा ने जमकर किया सीमाओं को पार, देखें कैसे अब चलें उस पर कानूनी वार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।